ऐसा भी होता है बिहार में, घर में खड़ी थी गाड़ी लेकिन एनएच में कट गया ओवर स्पीडिंग का चालान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार में ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के परिवहन विभाग सख्त हो चुका है। खासकर राजधानी पटना की बात करें तो पटना में जो अलग अलग जगहों पर कैमरे लगा दिए गए हैं, अपने सिर पर हेलमेट लगा करके आपको चलना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप ओवर स्पीडिंग नहीं कर सकते, खासकर एनएच पर यानी नेशनल हाईवेज पर, या अगर गाड़ी पर बैठे हैं तो आप बेल्ट भी ज़रूर लगाएं वरना आपका चालान कट सकता है। लेकिन अगर आपने गलती की है और आपका चालान कटता है तो ये जायज़ है, लेकिन अगर आपने गलती नहीं की है तो फिर चालान क्यों कटे। दरअसल मुजफ्फरपुर का ये पूरा मामला है जहां गाड़ी जो है वो घर में खड़ी थी लेकिन एनएच पर ओवर स्पीडिंग का चालान कट गया। कहां का ये पूरा मामला है और किसका ये चालान कटा है वो हम आपको बताते हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में परिवहन विभाग और ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम का अनोखा कारनामा सामने आया है। एक इंजीनियर की गाड़ी घर में खड़ी थी और मुजफ्फरपुर पटना नेशनल हाईवे पर उनकी गाड़ी का चालान कट गया। इंजीनियर की गाड़ी पर ओवर स्पीड का आरोप लग गया। जुर्माने का मैसेज आने के बाद इंजीनियर उदय सिंह परिवहन विभाग में इसका कंप्लेन किए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है। गाड़ी पर 2000 का जुर्माना लगाया गया है। आगे बताए तो ये पहला मामला नहीं है जब किसी गाड़ी पर गलत तरीके से जुर्माना लगाया गया है। इसके पहले भी कई बार गाड़ियों को गलत तरीके से ट्रैफिक विभाग की ओर से चालान भेजे जाने के मामले भी सामने आए हैं। जानकारी के मुताबिक उदय सिंह की गाड़ी BR06DN3951 कई दिनों से घर में खड़ी थी लेकिन उनके मोबाइल नंबर पर 2000 के जुर्माने का चालान आ गया। चालान में गाड़ी का नंबर तो सही है लेकिन उसका रंग अलग है। गाड़ी मालिक इससे अब परेशान हो चुके हैं। हैरान की बात ये भी है कि मुजफ्फरपुर के चंद्रहटी के जिस लोकेशन पर चालान कटने का मैसेज आया है वहाँ कोई कैमरा भी नहीं लगा है। गाड़ी की फोटो के साथ पर चालान भेजा गया है। मुजफ्फरपुर पटना हाईवे पर रामदयालु नगर के बाद सराय स्थित टोल प्लाजा पर ही कैमरा है, तो सवाल उठता है कि चंद्रहट्टी में उनका चालान कैसे कट गया। इसका जवाब कोई पदाधिकारी नहीं दे पा रहे हैं। इस मामले में उन्होंने ट्रैफिक और परिवहन विभाग को शिकायत की है। हालांकि इस मामले में परिवहन विभाग पल्ला झाड़ रहा है। अधिकारी का ये कहना है कि यह चालान ऑनलाइन कटा है जो पटना से काटा गया है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो देखिए, बिहार के सरकारी इंजीनियर साहब के साथ परिवहन विभाग ने ये बड़ा खेला कर दिया। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से अब उनके माथे पर 2000 का जुर्माना लग गया है। हालांकि उनकी गाड़ी घर पर खड़ी थी, उनके आवास में गाड़ी खड़ी थी, लेकिन चालान कट गया एनएच पर, वो भी ओवर स्पीडिंग का, वो भी ऐसे जगह पर चालान कटा है जहां कोई कैमरा ही नहीं है। अब विभाग में जब उन्होंने कंप्लेन किया है तो विभाग के अधिकारियों का कहना है कि चालान पटना से कटा हुआ है और मामला आप मुजफ्फरपुर का बता रहे हैं तो हम अब कुछ कर नहीं सकते। अब इस पूरे अपडेट में जो कुछ भी अपडेट निकल कर सामने आएगा हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें इजाजत।